रिसेप्शन नहीं रख रहे तो क्या हुआ? तो सबको अपने हाथों से मीठा बना के खिलाना, रिश्ते धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। पेंजी, अब पेंजी इधर आओ। हाँ, इसका तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, पता नहीं क्या किया है आप फिर से। मैं जाके देखती हूँ, मैं तुझसे बाद में बात। अरे ना ना ना, फोन मत काटना प्लीज। माँ बेटी की अगर बातें हो चुकी हो तो दो बहनें बातें कर ले प्लीज। थैंक यू सो मच। यार ये मम्मा है ना, हमेशा फोन ही नहीं छोड़ती। जब भी आपका फोन आता है ना, फाइनली मुझे मौका मिला है आपसे बात करने का। दी बताइए, मेरी सबसे झल्ली बहन कैसी है? अच्छी बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्यों, अच्छी क्यों नहीं है? अब तो तुझे बहुत अच्छा होना चाहिए। पूरा बेड जो मिल गया तुझे, पसर के सोई होगी, है ना? अरे थी, आपको कैसे पता? ऐसे बड़े मुद्दों के बाद ऐसा मौका मिला, इतना अच्छा लगा, पूरे बेड पे मैं अकेली। वैसे एक बात बताइए दी, आपको मेरी याद आ रही है? याद बिल्कुल भी नहीं आई। ओ अच्छा। चलो अब ऐसी शक्ल मत बना, इतना सैड चेहरा बनाएगी तो मुझे भी सच बोलना पड़ेगा। बहुत याद आई सृष्टि, समझ ले नींद नहीं आई, बस तेरी याद ही आई। मैं तो तुझे छेड़ रही थी। हाँ हाँ, छेड़ो छेड़ो, छेड़ने के लिए मैं ही मिलती हूँ ना आपको, मम्मा को, जान कैंडी को, मैं ही मिलती हूँ छेड़ने के लिए। अगर इतनी हिम्मत है ना तो जाके वो दी करण लूथरा को छेड़ो ना। अरे अरे, शर्मा गए इतनी सी बात पे। ओहो अच्छा थी। वैसे एक बात बताओ, आपने टाइगर को काबू में किया कि नहीं किया? टाइगर को? ओ टाइगर को। मैं किसी को क्या कंट्रोल में करूंगी? तुझे पता है क्या हुआ? टाइगर रात को बाहर बालकनी में सो गया और बारिश हो गई, सर्दी जुकाम खांसी तबीयत खराब सब हो गया, तो टाइगर तो खुद ही कंट्रोल में आ गया ना। ओ तो तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती थी? हाँ, तुमने वैसे कभी सुना है हाँ कि बिल्ली टाइगर को कंट्रोल करे? आई एम दी टाइगर, चाहे बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, चाहे जंगल हो, चाहे बालकनी हो, चाहे रूम हो, आई एम दी टाइगर। ये कल से ऐसे बिहेव कर रहा है, तुमने कहाँ से सीखी ये सब आवाजें? बहुत अच्छी निकाल लेते। तेरी बहन ना पागल है, पागल। क्या चल रहा है? फोन चल रहा है माँ। मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे दोबारा से प्रीता से। माँ करण, मेरा बहन, मैं जानती हूँ कि हमारे परिवार के और तुम्हारे रिश्ते पहले जैसे नहीं है, लेकिन तुम अब इस घर के दामाद हो। रस्म रिवाज समाज में रहते हैं ना, तो ये सब तो निभाने ही होते हैं। बेटा मैं क्या कह रही थी कि पगफेरे की रस्म होती है, हम सब उनको मानते हैं। तो अगर तुम इजाजत दो, तुम्हें ठीक लगे तो कल पगफेरे की रस्म है। जब बेटियां अपने पति के साथ ससुराल से मायके आती, अगर तुम प्रीता के साथ कल हमारे यहाँ आ सको तो। ठीक है, फिर कल आपका और प्रीता का इंतजार करेंगे हम लोग। माँ मैं तो भूली गई, रसोई में वो मीठा रखा हुआ है, पहले रसोई का। मैं जाकर देखती हूँ, बाय। मैडम ने इतना सामान भी मेरे बेड पे रखा है, दिस इज माय बेड, ओके? इतना सामान लेकर आई, 2 साल के कपड़े एक साथ लेकर आई है। पगफेरे की रस्म के लिए दोनों आएंगे। करण मान गया, मेरी बच्ची शादी के बाद पहली बार खुशी खुशी अपने पति के साथ आएगी। माता रानी चल चल, बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ। उसकी पसंद के खाने बनाने हैं। करण को क्या पसंद है मुझे पता है, वो भी बना दूंगी मैं। किस में रोने की क्या बात है? ओह नो, ये दोनों फिर यहाँ पर, मतलब कुछ तो गड़बड़ की है।
आगे प्रीता, तुम्हारा हलवा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गैस पे रखे रखे लाल हो रहा था, अब मैंने संभाल लिया। मैंने भी गाजर का हलवा बनाया, यहाँ पर एक्स्ट्रा गाजर पड़ी थी तो मैंने सोचा मैं भी बना लेती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। तुम ये सब हरकतें करती हो जिससे इस परिवार को कोई नुकसान नहीं होता या उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सब करती रहा करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी। क्यों हर्ट करूंगी मैं इस परिवार के लोगों को? मैंने ये हलवा इसलिए बनाया है ताकि घर में सब ये खाएं, खाएं और दिल से बताएं कि कौन बेटर, आई मीन बेस्ट कौन है। तो बेस्ट तो मैं ही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस कॉम्पिटिशन। इस कॉम्पिटिशन में तो मैं ही जीतूंगी। बोल एंड स्मूथ। शोलिन मेरी हेल्प करना। आराम से लगा रही हूँ। इट्स ओके। जान की आंटी, आप बिना इतने सालों से किचन में काम कर रही हैं, ऐसे कैसे ये आटे का डब्बा आपके पैर पे गिर गया? हाँ मम्मा। क्या हो गया मम्मा? किस सोच में डूब गए? नहीं मतलब अभी आपकी फेवरेट बेटी से आपकी बात हुई है और आपकी झल्ली बेटी आपके सामने बैठी है, फिर आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्यों यार, आपकी प्रीता से दो बार बात हुई है फिर भी उदासी? नहीं मैं उदास नहीं हूँ, बस सोच रही हूँ कि कैसे निभाएगी उस घर में, उस परिवार के साथ। जब कोई भी लड़की विदा होकर मायके से ससुराल जाती है ना, तो बहुत सारे सपने होते हैं उसकी आंखों में। उसे प्यार मिलेगा, आदर मिलेगा और उसका सबसे ज्यादा साथ इस सब में देता है उसका पति। अगर एक लड़की का पति उसके साथ होना तो वो कुछ भी कर सकती है, कोई भी काम कर सकती है, परिवार वालों का दिल जीत सकती है, लेकिन प्रीता के साथ ऐसा नहीं है। वो कैसे लड़ेगी ये लड़ाई जब करण ही उसके साथ नहीं है? अम्मा अम्मा, आप इतना ओवरथिंक क्यों कर रहे हो कि करण सर उनके साथ नहीं है? थिंक पॉजिटिव ना। और आपने वीडियो कॉल में भी देखा, करण सर तो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। तुम दोनों को यही लगा ना? वो यही चाहती थी कि हमें यही लगे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। जानती तो है तू प्रीता को, चाहे उसे कितनी भी तकलीफ हो रही हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, वो कभी जताती नहीं है। वो नहीं चाहती कि उसकी तकलीफ से हमें तकलीफ हो, वो नहीं चाहती कि उसकी तकलीफ जानकर उसकी माँ को तकलीफ हो, इसीलिए बस मुस्कुराहट के पीछे सब कुछ छिपा रही थी। तुम दोनों को समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे समझ में आ गया। मुझे उसकी तकलीफ उसकी आंखों में दिख जाती है, चाहे वो कितना भी मुस्कुरा रही हो, क्योंकि माँ हूँ मैं उसकी, मैंने उसे पैदा किया है। और अपनी तकलीफ छुपाकर वो अपनी माँ को तकलीफ नहीं देना चाहती है, लेकिन मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल में है वो। अम्मा अम्मा, अभी आपने कहा ना कि आप उनकी माँ है और वो आपकी बेटी, वो आपकी हिम्मत है, आपकी ताकत है, आपका गुरूर है माँ। आप अपने गुरूर पर यकीन नहीं करती क्या? आप क्यों स्ट्रेस ले रही है मम्मा? देखना बहुत जल्दी उन लोगों का दिल जीत लेगी। और आपको तो पता है कितना अच्छा खाना बनाती है। अरे उन लोगों को दी के आपका खाना तो खाने दो, मिठाई के मिठास से वो सबका दिल मीठा कर देंगी। और आपको तो पता है दिल का रास्ता पेट से होते हुए जाता है, और ये सिर्फ लड़कों के लिए रूल लागू नहीं है, ये दुनिया का हिसाब किताब है। दुनिया में कोई चीज़ अच्छी हो या ना हो, खाना अच्छा होना चाहिए। और आपको तो पता है आपके हाथ का हुनर दी के हाथों में है, और शर्त लगा लो मम्मा, कुछ ही दिनों में दी सबका दिल जीत लेगी, क्योंकि मेरी दी है ही ऐसी। वो जहाँ पर भी जाती है ना, सबको अपना बना लेती है यूँ चुटकियों में। तू उतनी भी जल्दी नहीं जितनी मैं समझती हूँ। माँ मैं कितनी अच्छी बातें करने लगी हूँ ना आजकल। बहुत, तू तो हमेशा से ही बहुत समझदार थी, बस कभी कभी झल्लेपन का। माँ ये मूव मेरे को गालों पे लगाना चाहिए, इतना मारते रहते। मैंने आप सबके लिए कुछ बहुत स्पेशल बनाया है, मैं सर्व करती हूँ। I'm so sorry, I'm late. वो रमुना कहाँ है बेटा? Actually, आंटी मॉम कल रात भर सोई नहीं है, आप तो जानती हैं वो कितनी परेशान है,
और ऊपर से उनको बहुत कॉल्स आ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन के, बाहर किसी को पता नहीं है ना यहाँ क्या हुआ। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब तुमने क्या बनाया? मीठा, मैंने अपने हाथों से बनाया है। माँ ने कहा कि आज मेरा ससुराल में पहला दिन है ना, तो एक रस्म होती है पहली रसोई की, जिसमें बहू कुछ मीठा बनाती है और सबको खिलाती है। उससे रिश्तों में मिठास बनी रहती है। तो मैंने सबके लिए गाजर का हलवा बनाया। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा किया आपने। गाजर का हलवा? मैंने भी गाजर का हलवा ही बनाया। पहले बताती थी तो मैं नहीं बनाती। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया कि तुमने भी गाजर का हलवा बनाया। अरे गाजर का हलवा तो चीज ही ऐसी है, इंसान दिन भर खा सकता है। तुम भी खिला देना, लेकिन मेरे खिलाने के बाद, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ और मुझे अपनी रस्म निभानी है। निभाओ रस्म। कितने कॉन्फिडेंस के साथ खुश हो रही है और सबको परोस रही है, सबको मीठा खिलाएगी और मीठा रिश्ता बनाएगी। पर इसे क्या पता, इसकी मिठाई मीठी नहीं तीखी है, विद चिली तड़का। पहले दादी को। दादी, मुझे नहीं चाहिए वो, एक्चुअली मैं शुगर अवॉइड कर रही हूँ। हाँ, जिसने शुगर का नाम ले लिया ना, और मैं इसकी माँ हूँ, मैं कैसे शुगर खा सकती हूँ? मुझे अगर डायबिटीज हो गई तो पुत्र, मैं नहीं खाऊंगी। एक्चुअली मुझे भी मीठा नहीं खाना, एक्चुअली मैंने मीठा छोड़ा हुआ है, तो मैं भी नहीं खाऊंगा। पिताजी, पर हम खाएंगे। मैं भी खाऊंगा और समीर भी खाएगा। समीर? हाँ, मैं भी खाऊंगा। भाभी ला, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, दीजिए ना आप। प्रीता, मैं भी बस थोड़ा सा खाऊंगी। मम्मा भी खाएंगी। राखी माँ को। प्रीता जी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में तो और अच्छा लगेगा। अरे कोई खाने के लिए हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है, सब नहीं खाएंगे तो प्रीता का फैसला कैसे होगा? सब मिलकर इसकी इंसल्ट कैसे करेंगे? आप लोग एक एक बाइट खा लीजिए, अगर नहीं खाया पता नहीं प्रीता पुलिस को ना बुला ले। ऐसे क्या देख रही हो प्रीता, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगी? पुलिस को पहले भी मैंने नहीं बुलाया था। हाँ, आई एम सॉरी, तुमने एनजीओ को बुलाया था, बाद में पुलिस आई थी। माहिरा बेटा, प्लीज बात को आगे मत बढ़ाओ। मम्मी जी, करीना दी, मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग थोड़ा थोड़ा मीठा खा ही लेते हैं, ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी, और रस्म भी तो निभानी है। भाभी, मुझे ये रस्म असम से कोई मतलब नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस प्रीता अरोरा का कोई नया परफॉर्मेंस नहीं देखना है, इसलिए खा लेती हूँ।
गॉड। क्या पानी दो, पानी पानी, पानी प्लीज। क्या हुआ मामा? ये गॉड कितना गंदा है। इतना खराब छी। पुत्र बहुत अच्छा है। मतलब अच्छा है, इट्स ओके। नहीं मॉम, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो एक ही बोल में से सबको परोसा है। दादी को अच्छा लगा है, आपको खराब। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ प्रीता अरोरा? प्रीता जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब कमाल बनाया है आपने, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा। क्या जमीन? सही बोल रहे हो, बहुत अच्छा है। मैं अभी आती हूँ। सबको हलवा अच्छा लग रहा है, तो एक चम्मच तुम भी खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। करण, मैंने भी गाजर का हलवा बनाया है, तुम ये खाओ ना। इनफैक्ट आप सब खाइए, मैंने अपने हाथों से बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स तुमने बनाया तो मैं जरूर खाऊंगा। दो ना थोड़ा सा, दो। बहुत अच्छी आ रही है। अरे क्या हुआ? ये हलवा तो मायरा ने बनाया। आई एम श्योर तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा था वो। एक्चुअली मैं मीठा कम खाता हूँ ना, तो बस मेरा हो गया। तो फिर मैं अपना वाला उठा लेती हूँ, खाओ ना। बस वो नहीं खाना, आई एम डन। प्रीता, पुत्र हमारे घर की रीत है, जब घर की नई बहू पहली रसोई बनाती है तो उसकी सास उसे नेक देती है। ये लो तुम्हारे लिए शगुन का नेक। नई बहू होने के नाते पहली रसोई बना के तुमने अपना फर्ज पूरा किया, और नेक देके मैं अपना फर्ज पूरा कर रही हूं। थैंक यू। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। बाद में मेरे कमरे में आना, मुझे तुम्हें नेक देना है। अरे रसम है,
निभानी तो पड़ेगी। कुछ समझ आया? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे भी नहीं समझ में आया। हमने वो हलवे में वहां पर मिर्ची डाली थी, लोगों को पसंद कैसे आ सकता है? हाय, क्या चल रहा है? बाप रे, तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है तुम दोनों पागल हुए जा रही। ये सोच सोचकर कि इतना बड़ा धमाका हुआ कैसे, जब प्रीता के बनाए हुए हलवे में भर भर के मिर्ची डाल दी थी, तो फिर वो हलवा हिट कैसे हो गया?